गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून गाइस, कौन कौन है? वही सना, भावना, शुभम, संकेत, सौरव, गुरम, पायल, शीतल, अनिल, दिशा, राज, साक्षी, दिशा को तो यही ही पता है भाई टॉपिक कौन सा चल रहा है। बिल्कुल मजे में अपनी लाइफ में चिल कर रही दिशा। क्यों भाई? दिशा हाय, खुशी, मानसी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? संजुक्ता, समीर, आज मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं। अंजलि, अमन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? थोड़ा भी मिस किया? नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन का लेक्चर नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? हाँ मैम, मैम तो आती जाती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ मिस किया कि नहीं किया? चलो यार, अरे मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। यस ओके परफेक्ट। चलो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वी आर ऑन यूनिट नंबर 6 एंड दैट इज माय फ्रेंड बिजनेस करेस्पोंडेंस। ठीक है, अब बिजनेस करेस्पोंडेंस में हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक अच्छा बिजनेस लेटर क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक अच्छे बिजनेस लेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, राइट? टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। याद आ गया सबको? यस ऑल राइट। ये सब हम लोगों ने कर लिया था और यू एटीट्यूड भी पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। आज और कल में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने अलग अलग तरीके के बिजनेस मैसेजेस होते हैं। ठीक है, कितने अलग अलग तरीके के बिजनेस मैसेजेस होते हैं। ठीक है, सो रो रहे थे कोने में बैठ के, चलो रे झूठ बोल रहे हो, नौटंकी सबके सब। ऑल राइट, कोई बात नहीं दिशा यार, मजाक कर रही थी। एज फार एज यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स, कभी भी लाइव अटेंड करने का तो मजा ही अलग है, लेकिन अगर तुम बाद में बैठकर इसको कंप्लीट करो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके चलो। ऑल राइट, टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस की हम बात करेंगे क्या? यस, तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। तीन तरह के मैसेजेस होते हैं। कितने तरह के? तीन, तीन मतलब थ्री। अरे यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो। ठीक है, तो तीन मैसेजेस होते हैं। एक होती है अच्छी खबर, एक होती दुख खबरी, खुश खबरी, दुख खबरी, और एक होता है कि हमें नहीं पता कि हम खुश होंगे या बुरा मानेंगे। वो तो तुम जैसे बताओगे वैसे हम डिसाइड करेंगे खुश होंगे या बुरा मानेंगे। जैसे बहुत बार ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हें दो न्यूज देने वाला हूँ, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। ठीक है, तो गुड न्यूज तो समझ में आती है, जब गुड न्यूज हमें मिलती है हम खुश होते हैं, बैड न्यूज मिलती है जब हमारा रिएक्शन नेगेटिव होता है। लेकिन एक ऐसी न्यूज होती है जिसमें डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको सुना कैसे रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। पहले हम गुड न्यूज की बात करते हैं। गुड न्यूज इज नथिंग बट पॉजिटिव मैसेजेस। तो पॉजिटिव मैसेज कौन से होते हैं जिसमें ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट इन पॉजिटिव मैनर, अच्छे से पॉजिटिवली रिएक्ट करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एकदम खुशी हो या एक्साइटमेंट दिखा, ये मस्त, ये वो, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, इस टाइप की रिएक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन भी देते हो, वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, गुड जॉब, इस तरह का अगर आपने रिएक्शन दिया तो पॉजिटिव मैसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी, जब लिसनर के लिए, जो रिसीवर है उसके लिए अगर कोई अच्छी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका प्रमोशन हो गया, उसका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, उसको अच्छे मार्क्स आ गए, उसको किसी ने कंग्रेचुलेट किया, उसको किसी ने थैंक यू बोला, तो इस तरह के मैसेजेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं जिसमें कि जो स्पीकर है, जिसमें जो लिसनर है वो बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। इतना क्लियर है? यस ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज नेगेटिव।
नेगेटिव मतलब अब तुम जब सुना ही नेगेटिव न्यूज रहे हो तो तुम लिसनर से कैसे रिएक्ट कर सकते हो कि वो पॉजिटिवली रिप्लाई करेगा। करेक्ट है, अगर मुझे बोला गया सौम्या इस बार तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं खुश होंगी? नहीं होंगी ना, मैं तो सैड हो गई अब तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मुझे अगर किसी ने बोला सौम्या बॉस ने तुम्हारे लिए रिव्यू बहुत खराब दिया है, मैं खुश होंगी क्या? नहीं। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज सेंडिंग मी अ सिंपथी लेटर क्योंकि आई हैव लॉस्ट समबडी, मतलब मेरा कोई नियर एंड डियर वन है जिसको मैंने यू नो आई हैव लॉस्ट माय नियर एंड डियर वन और इसके लिए वो मुझे सिंपथी लेटर लिख रहे हैं, कॉन्डोलेंस लेटर लिख रहे हैं, तो मैं खुश थोड़ी ना होंगी। वो लेटर्स ही इस प्रकार के सिचुएशन में लिखे जाते हैं कि जब मेरे साथ कुछ ऑलरेडी गलत हो रहे हैं, तो वो मैसेजेस कौन से हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मैसेज में क्या होता है? बैड न्यूज होती है। इसमें सेंडर का एक ही गोल होता है टू कन्वे द बैड न्यूज इन अ मैनर जो रिलेशनशिप भी मेंटेन करे और बहुत ज्यादा डैमेज भी ना हो। अगर हमें किसी को बैड न्यूज सुनानी होती है, क्या हम उसे एक्साइटमेंट में सुनाते हैं? अरे अरे तुम्हें पता है क्या, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, ऐसे बैड न्यूज को इस खुशखबर ऐसे खुशखबरी के फॉर्म में सुनाते हैं क्या? अरे अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत खराब मार्क्स आए तुझे तो, वाह यार। तो कभी भी नेगेटिव मैसेजेस हम अच्छे से एक्साइटमेंट में नहीं सुनाते हैं। हम नेगेटिव मैसेजेस हमेशा कैसे सुनाते हैं? विथ सच कामनेस, विथ सच पोलाइटनेस कि कम से कम डैमेज हो, कम से कम लिसनर को बुरा लगे, कम से कम उससे गंदा फील हो, हम यही चाहते हैं राइट? तो हम बस ये चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन हो। व्हाइल द सेंडर मस्ट डिलीवर बैड न्यूज, द सेंडर वांट्स टू अवॉइड एन एम्प्लॉय क्विटिंग और अ कस्टमर फाइंडिंग अनदर वेंडर। दीज मैसेजेस माइट बी आइटम्स ऑफ व्हाट, जिसमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ऑर्डर कैंसिल किया कस्टमर उससे तो गुस्सा होगा, लेकिन अब आप उसको मना कैसे सकते हो रिफंड करके? आ रही मेरी बात समझ में? बहुत जैसे अगर आपको एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना है, तो अगर आप सीधे सीधे उसको बोलोगे कि हम तुम्हें निकालना चाहते हैं क्योंकि कंपनी का बजट नहीं है, तो बहुत खराब हो जाएगा। तो आपको उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो नेगेटिव मैसेज को देने के लिए आपको कुछ कॉम्पनसेटरी ऐड करना चाहिए और वो करना जरूरी है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। जैसे घर में बचपन में नहीं होता था कि हमारे मार्क्स बहुत ही कम आए, तो मम्मी को बोलते थे मम्मी मार्क्स बहुत खराब है, मम्मी जैसे ही गुस्सा करने वाली, पर ये देखो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। आ रही मेरी बात समझ? तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम कॉम्पनसेट करना चाहते हैं जो डैमेज नेगेटिव मैसेज के कारण होने वाला है। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, यस, ओके। सो द पॉइंट इज मेरी जान कि नेगेटिव मैसेज में ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है जिससे कि लिसनर का जो रिस्पॉन्स है वो खराब होने वाला है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, परसुएसिव मैसेजेस। परसुएसिव मैसेज बेसिकली क्या होता है कि जो ऑडियंस है ये मैसेज सुनकर बहुत ही न्यूट्रल रहने वाली है, कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये छोटा मोटा एक तरफ इंक्लिनेशन झुकाव हो सकता है, पर वो एकदम पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज में नहीं आएगा। तो बहुत ही न्यूट्रल ये मैसेजेस होते हैं जिसमें कि ऑडियंस को आपको एनकरेज करना होता है, ऑडियंस को आपको प्रोवोक करना होता है, पुश करना होता है कि भाई आप पॉजिटिवली रिप्लाई करो और इस मैसेज को पॉजिटिव कंसिडर करो। ये मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनका नेचर इतना न्यूट्रल होता है कि लोग ना पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं ना नेगेटिवली, लेकिन अगर लिसनर अगर स्पीकर चाहे तो वो मैसेज को इस तरह से मोल्ड कर सकता है, इस तरह से सुना सकता है कि वो डेफिनेटली मैसेज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग एडिशनल पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर्ड एरर और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंशन टू एन इम्पेंडिंग ड्यू डेट, ओके। अगर बाय चांस फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ये बोला कि गाइस तुम्हें जो अपना होमवर्क है वो तुम्हें 9 तारीख को शाम को 6 बजे तक सबमिट करना है, ठीक है, 9 तारीख को शाम को 6 बजे तक सबमिट करना है। अब तुम लोग ऑलरेडी जानते थे कि मैं डेट बढ़ा दूंगी, मैं टाइम बढ़ा दूंगी होमवर्क सबमिशन का, क्योंकि तुम सब रिक्वेस्ट कर चुके थे और किसी ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो तुम भी जानते थे कहीं ना कहीं अंदर दिल में कि मैम तो डेट एक्सटेंड कर ही देगी,
और मैं भी डेट एक्सटेंड करने वाली हूँ। तो जब मैंने 6 बजे सबको ऑनलाइन लाइव बुलाया यूट्यूब पर, मैंने बोला कि गाइस मुझे आपसे डिस्कशन करना है, तो तुम तो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि मैं डेट एक्सटेंड करूंगी, मैं होमवर्क की डेडलाइन एक्सटेंड करूंगी। तो जब मैंने होमवर्क की डेडलाइन एक्सटेंड की तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें तो तुम न्यूट्रल थे। लेकिन मैंने बोला कि जिसने आज रात 10 बजे तक होमवर्क सबमिट कर दिया उसको मैं इतना इतना इनाम दूंगी, इतना इतना रिवॉर्ड दूंगी। तो नाउ द मैसेज फ्रॉम परजुएसिव स्टेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव वन। क्यों? क्योंकि परजुएसिव में क्यों था? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन जब मैंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की, एनकरेज किया टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, तो फिर तुम लोगों ने इसमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी पर्सन से मेरा रिकमेंडेशन लेटर मांगती हूँ, रिकमेंडेशन लेटर मतलब कि रिकमेंडेशन लेटर मतलब कि जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखो और मुझे रेकमेंड करो दूसरी कंपनी में, ठीक है? वो रिकमेंडेशन लेटर होता है। तो अगर मैं वो चाहती हूँ तो सामने वाला बहुत ही नॉर्मली कर लेगा, बहुत ही नॉर्मल रिकमेंडेशन लेटर लिख देगा। लेकिन अगर मैंने उसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया, मैंने उन्हें पुश किया, मैंने बोला कि सर आप मेरे बारे में ऐसा कुछ अच्छा लिखो, ऐसा कुछ डिफरेंट लिखो कि मुझे दूसरे कैंडिडेट के ऊपर प्रेफर किया जाए, तो फिर वो मेरे बारे में ऐसा कुछ रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। अगर मुझे आफ्टर वर्क, आफ्टर ऑफिस आवर्स मुझे अगर रुकने को बोला गया है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे रुकने को बोला जाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड था, तो ये मैसेज कैसा हो गया? पर्सुएसिव। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि समय अगर तुम 1 घंटा रुकोगी तो तुम्हें इतना एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, तो फिर नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पॉजिटिव मैसेज। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस डन। ओके, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? मुझे तो सही आ रही है आवाज। डन। ओके, तो ये तीनों टाइप के मैसेजेस आपको क्लियर है? देखो पर्सुएसिव मैसेजेस देखो, द रिसीवर मे बी, ओके, द रिसीवर मे बी रिलक्टेंट, द रिसीवर इज बीइंग आस्क्ड अ फेवर। ओके, नाउ अगर आप कोई कोई पर्टिकुलर रिसीवर को बोलते हो, जो भी आपकी मैसेज सुन रहा है, जो भी मैं अगर स्पीकर हूं और मेरा कोई लिसनर है, और अगर मैं उससे बोल रही हूँ कि प्लीज तुम मेरे लिए ये कर सकते हो क्या, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज तुम मेरे काम में हेल्प कर सकते हो क्या, या फिर प्लीज तुम मेरे काम में मदद कर सकते हो, या प्लीज तुम मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हो, तो राइट नाउ आई एम आस्किंग अ फेवर फ्रॉम अ रिसीवर, ठीक है? तो यहां पर वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा कि हाँ ठीक है, मतलब फेवर ही तो मांगा है, मतलब वो ना ही पॉजिटिव में जाएगा ना ही नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर मैं उससे कुछ पर्क्स बताती हूँ, कुछ फायदे बताती हूँ कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हें क्या फायदा होगा, अगर ऐसा कुछ मैं बताती हूँ तो फिर वो मैसेज पर्सुएसिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो पर्सुएसिव का मतलब क्या होता है? यू जस्ट स्टे न्यूट्रल। आपका ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है लिसनर का, ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, ना ही नेगेटिव होता है। इतना क्लियर है? लेकिन मेरी जान, अगर आप चाहते हो कि आपका रिस्पॉन्स, आपके लिसनर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो जाए, तो आपको उसे उस तरह से एनकरेज करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द स्पीकर सेज इट। अगर आप पॉजिटिव मैसेज की बात करें तो स्पीकर के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैसेज अगर पॉजिटिव होता है तो रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स का क्या इंपॉर्टेंस है कि मैसेज इतना नेगेटिव होता है कि कैसे स्पीकर बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पर्सुएसिव में जो लिसनर है वो न्यूट्रल रहता है, तो आप कैसे बोल रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने पॉजिटिवली बोला तो पर्सुएसिव मैसेज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने नेगेटिवली बोला तो पर्सुएसिव मैसेज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस। ओके, बढ़ेंगे आगे। यस ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस रिपोर्ट्स। अब बिजनेस रिपोर्ट्स बेसिकली क्या बोलती है? देखो भाई, बिजनेस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट नाम का एक वर्ड होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कॉल्ड रिपोर्टर। इट इज डिराइव्ड
फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कॉल्ड रिपोर्टर, जिसमें री का मतलब होता है बैक और पोर्टर का मतलब होता है कैरी. दैट मीन समथिंग दैट यू कैरी बैक. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने बोला कि सौम्या तू सेल्स रिपोर्ट बनाकर दे, तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट ऑल द डिटेल्स रिस्पेक्ट टू सेल्स. मैं सेल्स रिलेटेड सारी डिटेल्स कलेक्ट करूंगी और फिर मैं उसको रिपोर्ट बनाऊंगी और आई एम गोइंग टू कैरी इट बैक टू द पर्सन हु हैज आस्क्ड मी टू प्रिपेयर दैट रिपोर्ट. ठीक है, इसलिए हम इसको रिपोर्ट बोलते हैं. रिपोर्टर वर्ड जो है, रिपोर्टर वर्ड इज अ लेटेंट वर्ड जिसका मतलब होता है कैरी बैक. री का मतलब बैक और पोर्टर का मतलब कैरी. ठीक है, तो रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है. एक प्रेजेंटेशन होता है एक फॉर्मेट के फॉर्म में, जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है जिसे हमें पूरा करना है. अगर मुझे किसी ने सेल्स रिपोर्ट बनाकर दी है तो डेफिनेटली उस पर्सन का मोटिव क्या है, टू आस्क सम काइंड ऑफ, टू गेट सम काइंड ऑफ डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रिपोर्ट. आ रही मेरी बात समझ में? इस रिपोर्ट बनाने से फायदा क्या, इससे डिसीजन मेकिंग हो सकती है आगे जाकर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी रहती है, क्लैरिटी मिलती है कि कंपनी में चल क्या रहे, सारी चीजें हमें एक रिपोर्ट से मिलती है. क्लियर है सबको? ठीक है, सो रिपोर्ट इज वॉट एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ऑर्डरली मतलब प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होती है. ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन मतलब एक ऑब्जेक्टिव के साथ रिपोर्ट बनती है. ठीक है, किस चीज की, इन्फॉर्मेशन की, किसमें हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में. क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से. यस दिशा, यू आर राइट. पर्सुएसिव कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज न्यूट्रल मैसेज, बट इट इज नॉट कॉल्ड, मतलब उसको ऐसे बोला नहीं जाता है, बट अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझना है तो आप बोल सकते हो कि आप पर्सुएसिव न्यूट्रल मैसेज. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. नाउ नेक्स्ट इज कि रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट जो होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. भाई तुम लाइफ में अभी बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे तुम सीएस कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम्हें बोलेंगे यार ये रिपोर्ट तैयार करके दे, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कवर होती है. करेक्ट है? सबसे पहला, रिपोर्ट जो है वो ऑर्डर्ड होनी चाहिए, वेल ऑर्डर्ड, पूरे सीक्वेंस में. ऐसा नहीं कंक्लूजन पहले लिख दिया फिर इंट्रोडक्शन सबसे आखिरी में लिख रहे कि रिपोर्ट किस बारे में. ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए. रिपोर्ट में प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए. दूसरी चीज, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, इसका एक मोटिव होना चाहिए जो पूरा होना चाहिए. अब ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी कितनी सेल्स हुई वो पता करना. परचेज रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कितना खर्चा कर दिया परचेज में वो पता करना. ठीक है, सीएसआर रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने सीएसआर में कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया वो पता करना. सो द पॉइंट इज कि जो हमारी बिजनेस रिपोर्ट होती है उसका एक मोटिव होता है जो आपको पूरा करना होता है. ठीक है, उसके बाद इसमें फैक्ट्स और डेटा दोनों होना चाहिए. अब ये तो बहुत ही बड़ी बात करती उन्होंने, ये बोल रहे हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, मुझे मत बोलना मैम ये क्या क्या बकर बकर है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बुक बोलती है तुम्हारी, कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हो फैक्ट्स के बेसिस पर होनी चाहिए. अंदाजा मत लगाओ, तुक्का मत लगाओ यहाँ पर, वो जो तुम एमसीक्यू नहीं करते हो टिक टिक जय माता दी टिक, वो नहीं होना है यहाँ पर. पूरे फैक्ट्स, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे डेटा के बेसिस पर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो. ठीक है, और उसमें नीड टू नो बेसिस वाले इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, इवन इफ इट इज नॉट आस्क फॉर. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे बॉस ने बोला सौम्या क्या कर रही है, मैंने कुछ नहीं यार कम्युनिकेशन का लेक्चर ले रही थी. बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू एक रिपोर्ट बना. मैंने कहा की रिपोर्ट बनाओ. बोला सेल्स रिपोर्ट बनाओ. मैंने ठीक है. अब जब हम लोगों ने मेरे सेल्स रिपोर्ट बनाना चाहिए, तब क्या हुआ, तब उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करना जरूरी था सेल्स रिपोर्ट में, जो कि सर ने मांगी ही नहीं थी, जो कि सर ने मांगी ही नहीं थी. वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करना, वो इंफॉर्मेशन मुझे सबमिट करना जरूरी लगा. तो इफ एट ऑल आई प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी नोन, ओके, दैट नीड्स टू नो, जो जाननी चाहिए किसी को, भले उसने नहीं मांगी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए. तो आपका रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए उस चीज का, उसके बाद उसमें फैक्ट्स एंड डेटा दोनों चीजें होना जरूरी है, और नीड टू नो बेसिस मतलब क्या, मतलब कि उसमें वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि नीड टू नो है, मतलब जरूरी है जानना, भले फिर सामने वाले ने हमसे मांगी है या नहीं. ठीक है, सो बिजनेस रिपोर्ट इज नथिंग बट इवैल्यूएशन और असेसमेंट और रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. कोई भी इवेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इशू, जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस रिपोर्ट हो जाएगा. क्लियर है क्या? अच्छा, वो करने के बाद हम उस पर्सन को सबमिट करते हैं जिसको उस रिपोर्ट का काम है.
ठीक है, डन। इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता है। डियर मैम, आई स्कोर 65 आउट ऑफ 17 प्रीवियस टेस्ट पेपर। अरे कंग्रेचुलेशन गौरव कामरा, वेरी गुड, गुड जॉब। डन है क्या श्रद्धा? फिर गाने सुनने आ गई तुम? हाँ, लाइफ में तुम काफी फ्री हो क्या? अटेम्प्ट का भी श्रद्धा तुम्हारा दिसंबर या जून? चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट के नाम दिए हुए हैं, यू जस्ट हैव टू रीड द रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आपको वैसे तो इनके ऊपर आंसर कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है, बट आपको इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट नहीं है। तो जैसे आपको रिपोर्ट के नाम एक बार गो थ्रू कर लेने हैं कि भाई कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन फीजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, पीरियोडिक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट के नाम है जो अलग 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 फंक्शन अदा करते हैं। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इज राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा अटेम्प्ट अगर जून में है तो दफा हो जाओ, एक मिनट में पढ़ाई पढ़ाई कर लो जाकर। बाकी टेस्ट के लिए तो राज सर से बात करो यार, राज सर माई बाप है, वो ही बताएंगे टेस्ट कब होगी बाकी। ठीक है चलो, एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो बिजनेस को आप ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कैसे? ऐसे ऐसे, मतलब ESSAY, निबंध में नहीं लिख सकते। ऐसे कैसे मत करना, ठीक है, निबंध के फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो। आपको मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं लॉर्ड राम पर निबंध लिख दिया, होली दिवाली पर निबंध लिख दिया, क्रिसमस ईद पर निबंध लिख दिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एक इट शुड बी इन एन अब्रिज स्टाइल दैट अलाउज रीडर टू नेविगेट द रिपोर्ट क्विकली एंड टू आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स। मतलब इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, अभी किसी ने आपको पूछा मैम इसका कोई फॉर्मेट है क्या? फॉर्मेट इसका ऐसा होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मेट क्यों नहीं फिक्स, बट आप इस तरह से देखो कि किसी ने भी अब कोई भी आपकी रिपोर्ट पढ़े वो इजीली उसे नेविगेट कर ले। नेविगेट कर ले मतलब ऊपर से पूरा ऐसे पेपर उठाया, पेज पलटा, अच्छा अच्छा ये लिखा ये लिखा ये लिखा, पूरा सब आराम से फटाफट देख ले, उसको ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ा और आपका भी काम हो गया। प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग चूज करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट चूज करो, एक बुलेट चूज करो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बुलेट्स लगा सकते हो, 1, 2, 3, 4 जैसे आपको करना है आप करो, लेकिन उसमें हेडिंग सब हेडिंग होना जरूरी है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जानी चाहिए क्विकली एंड क्लियरली, तो ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। एक से दो पेजेस से आपकी रिपोर्ट चालू होती है, बट कुछ कुछ जो रिपोर्ट होती है वो ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, कुछ कुछ रिपोर्ट जो है वो ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, बट अगर ज्यादा बड़ी रिपोर्ट होगी तो फिर आपको उसका इंडेक्स देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बुक है, ये है ना, अब आपकी बुक तो छोटी मोटी तो है नहीं, बुक तो बड़ी है तो मैंने इंडेक्स भी दिया है, करेक्ट है। तो ऐसे केस में अगर आपकी रिपोर्ट बड़ी हो रही है तो फिर आप इंडेक्स दो कि कौन से पेज पर क्या है, और अगर रिपोर्ट छोटी है तो फिर इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? तो एक रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो निबंध फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंसान प्रॉपरली उसे नेविगेट कर सके, ऊपर से नीचे ढूंढ सके क्या लिखा है वो होनी चाहिए। दूसरी चीज हेडिंग सब हेडिंग यूज करनी, पॉइंटर्स यूज करने। तीसरी चीज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी जरूरी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दो, इधर उधर की बातें वगैरह 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 ये नहीं करना है। ठीक है, अब तुम लोग नाच क्यों रहो ऐसी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिपोर्ट आपकी जो होनी चाहिए उसको एक से दो पेज में खत्म कर दे दो, बढ़िया है, बट ज्यादा ही बड़ी हो रही तो फिर इंडेक्स देना जरूरी है। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, यस। आपकी याद आई, अरे अरे मेरी जान, मैं भी मिस कर रही हूँ तुमको यार श्रद्धा, लव यू।
मैम एग्जाम में पैसेज पर क्वेश्चन आता है क्या एमसीक्यू? यस आता है ना, पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, दैट इज इन चैप्टर नंबर 3। एको हो रही है साउंड? हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है? अरे बोलो, सो गए हो क्या? थोड़ी सी एक हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है, बट अपना लेक्चर तो हो ही जाएगा यार, इतने नखरे नहीं रखना लाइफ में। कंवर साहब बन के मैं घूमू तुम सब जगह। सर मैं मारवाड़ी हूँ तो कंवर साहब मतलब जो दामाद नहीं होते अपने घर में, मतलब अपने घर में नहीं मतलब अपने घर में होते, बट दामाद जी अंगना है पधारे, उस टाइप के जो दामाद जी नहीं होते हैं उनको कंवर साहब बोलते, तो उनके अपने नखरे होते हैं ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें कंवर साहब बन मत बनो ज्यादा, एडजस्ट कर लो ठीक है, पोषण खत्म करना जरूरी है। चलो ना, अब बिजनेस रिपोर्ट में देखो चार चीजें आती है। सबसे पहले आप तुम बोलते हो ना मैम फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, देखो यार सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है समरी। समरी में हम बताते हैं कि भाई व्हाई आर वी इवन राइटिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, इससे पता चल जाता है कि इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या कवर हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव समरी में आ जाती है। दूसरी चीज होती है बॉडी, ठीक है, बॉडी में क्या क्या आता है, बॉडी में आता है एग्जैक्ट मेन कंटेंट जो आपसे मांगे गए हैं, ठीक है, जो जो मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया है कि आप एक परचेज रिपोर्ट बनाओ, तो एग्जीक्यूटिव समरी में तो आप बताओगे कि भाई ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई है, परचेजिंग क्या, कि ये रिपोर्ट परचेज से रिलेटेड है, परचेज डिपार्टमेंट ने बनाई है जिसमें ये चीजें कवर हुई है। मेन बॉडी में आप बताओगे कि आपने एग्जैक्टली कवर क्या क्या किया है। आ रही मेरी बात सुन में, कि फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल परचेजिंग कवर की है, आपने करंट एसेट्स करंट फिक्स एसेट्स परचेजिंग कवर की है, तो जो भी आपने कवर की वो बताओगे। तीसरी है आपकी फाइंडिंग्स, तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स रही है पर्टिकुलरली, या जो भी आपके रिकमेंडेशन रहे हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से रिलेटेड वो बताओगे, और लास्ट में आप एक छोटा सा पैराग्राफ कंक्लूड करने के लिए लिखोगे। तो चार चीजें इस रिपोर्ट में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जीक्यूटिव समरी व्हिच टेल्स अस एज टू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। कोई समरी पढ़कर भी डिसाइड कर सकता है कि उसे आगे की रिपोर्ट पढ़नी है या नहीं। बॉडी में आता है, वैसे तो बहुत सारी चीज आती है, लंग्स लिवर इंटेस्टाइन, पर रिपोर्ट की बॉडी में आता है कि आपको एग्जैक्टली इसमें क्या क्या मिला और उसके बेसिस पर आप क्या रेकमेंड करते हो, वो पॉइंट नंबर 3 में आएगा और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो ये चार चीजें कवर होती है किसमें, एक अच्छे बिजनेस रिपोर्ट में। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। अब एक अगर आपको एक अच्छी इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट बनानी है ना, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किन सब बातों का? ये सारी बातें। सबसे पहले कि आपकी रिपोर्ट को ऑब्जेक्टिव का है वो जानना जरूरी है, कि भाई आपसे जो रीडर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप परचेज से रिलेटेड ये उनको तरीका बताओ कि परचेज को हम कम कैसे कर सकते हैं, या फिर ये बताओ कि परचेज कितना ज्यादा हुआ है, ठीक
ठीक है, दोनों अलग अलग मोटिव्स हैं। अगर मुझे कोई सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए बोले तो मुझे मोटिव समझना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि वो मुझे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि सेल्स कितनी हुई या वो ये पूछना चाहते हैं कि सेल्स क्यों कम हुई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद रिपोर्ट की फॉर्मेट का भी ध्यान रखोगे। चार स्टेप्स में फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद आपकी बॉडी, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन, लास्ट में कंक्लूजन। तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, यूजर कौन है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि रीडर पर डिपेंड करेगा कि रिपोर्ट को कैसे लिया जाएगा, या रिपोर्ट अच्छी मानी जाएगी या बुरी मानी जाएगी। ठीक है, तो यूजर कौन है इस रिपोर्ट का, वो आपको चेक करना जरूरी है। आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड पूरा डेटा, पूरी इंफॉर्मेशन देना कंपल्सरी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन में चूक की ना तो समझ लो तुम गए। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स मतलब क्या, मतलब कि आप जब भी डेटा कलेक्ट करो तो आप ध्यान रखो कि आप फैक्ट्स के बेसिस पर करो, अंदाजे के, अंदाजे से नहीं। मेरे हिसाब से सेल्स बहुत कम हुई है इस बार, तुम्हारा हिसाब पूछा ही नहीं है किसी ने, तुम्हारा हिसाब किसी ने नहीं पूछा है। तुम वो बताओ कि सेल्स कम हुई है कि ज्यादा हुई है, मतलब फिगर बताओ एग्जैक्ट। आ रही मेरी बात सुनना, तो ये मेरे हिसाब वाली चीज यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है कि मेरे हिसाब से ये हुआ है, मेरे हिसाब से वो हुआ है। डोंट गिव योर ओपिनियन, नोबडी इज आस्क्ड योर ओपिनियन, गिव योर रिपोर्ट और प्रिपेयर योर रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। ओके, एंड एनालाइज करना है सारी चीजें। ठीक है, फैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करो, कलेक्ट करते से बस उसको रिपोर्ट में मत डाल दो, उसको एनालाइज करो अच्छे से, एंड देन लास्ट में आप अच्छे से एक समरी दो, कंक्लूजन दो कि भाई आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसमें कवर हो जाएगी, एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट में। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, दामाद जी अंगना में पधारे, वही तो मैं भी मारवाड़ी हूँ, सब मारवाड़ी बैठेंगे यहाँ पर। मैम ये सब थ्योरी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। मैम रिपोर्ट को डेकोरेट कर दी तो इफेक्टिव लगेगा। गौरव अगर ही तुम्हारा मजाक था तो बहुत ही घटिया जोक था, और अगर तुम्हारा डाउट था तो काफी घटिया डाउट था। ठीक है, मतलब तुम कैसे डेकोरेट करोगे उसको? हाँ कलर्स लगाओगे अलग अलग, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, क्या करने वाले हो? क्लियर है क्या? तो ये इन सारी चीजों से एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट बनती है। चलो यार नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल बी अ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। फिर एमआईएस हम लोग कल से करेंगे, ठीक है, एमआईएस कल करके कल हम एमआईएस खत्म कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। देखो यार हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं मेरी जान? इंटरनल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरनल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या बोलता है? देखो यार हर कंपनी में ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स, लीगल, सेक्रेटरियल, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बतेरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, यस, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं मेरी जान? इंटर डिपार्टमेंटल। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या बोलते हैं, क्या होता है मेरी जान? कि जब कम्युनिकेशन को हम अलग, जब डिपार्टमेंट अलग अलग फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, या एक डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई से आपस में बात करता है तो वो होगा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। लेकिन जब डिपार्टमेंट के अंदर ही लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई से बात करता है जो कि भी फिनेंस डिपार्टमेंट का है, तो हो जाएगा इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना। इंटर मतलब दो डिपार्टमेंट के बंदे आपस में बात कर रहे हैं, और इंट्रा मतलब एक ही डिपार्टमेंट के बंदे, सेम डिपार्टमेंट के बंदे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। अब हमें दोनों तरह के कम्युनिकेशन इसमें पढ़ने रहेंगे। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, ओके। मैम मिसिंग यू, अरे प्रणव आई मिस यू गाइस टू।
चलो अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मल होता है. फॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है. तो अब हम यहाँ पर वो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला होता है मेमोरेंडम. सबसे पहला होता है क्या मेरी जान? मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमो. मेमो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं या तो कोई नोट या फिर रिकॉर्ड, दैट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है? मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जनरली एक पेपर को प्रिंट करके रखती है और उसको इतने थोक में प्रिंट करती है, थोक मतलब बल्क में प्रिंट करके रखती है. ठीक है? वो पेपर में क्या होता है, वो पेपर में आप सिर्फ लिखते हो टू फ्रॉम, और यहां पर आ जाता है मैटर. बस टू फ्रॉम मैटर. ठीक है? ऊपर कंपनी का नाम लिखा जा सकता है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा जा सकता है. ठीक है? कि एबीसी केमिकल्स लिमिटेड, तो कंपनी का नाम आ जाएगा. तो ये जो होते हैं पेपर्स, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, थोक में हर डिपार्टमेंट को मिलते हैं. अब मैं हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, मुझे डिस्कस करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, तो टू में क्या लिखूंगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि वो उसको मैसेज जा रहा है. फ्रॉम में क्या इसका नाम लिखूंगी? फाइनेंस का नाम. अब फिनांस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो मेमो में लिखकर और उन्हें भेज सकते हैं. मैम कैसे भेजेंगे? ऑफिस बॉयज होते हैं ना, ऑफिस में ऑफिस बॉयज होते हैं, प्यून्स होते हैं, तो ये सारे यही काम करते हैं. मैं मेरे मेरा डेस्क है, मेरे डेस्क पर लैंडलाइन है. लैंडलाइन मैंने उठाया, मैंने बोला, वो एक भैया शंभू भैया, मैं शंभू भैया जरा मेरे डेस्क पे आना. बोला हाँ मैडम आया, हमारे यहाँ के ऑफिस बॉय है वो. ठीक है? शंभू भैया आप ना ये मेमो जो है वो जाकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दो. उन्होंने बोला ओके. शंभू भैया ने मुझसे मेमो लिया और जाकर मार्केटिंग को दे दिया. मेमोरेंडम ट्रांसफर हो गया. आ रही मेरी बात समझ में? तो मेमोरेंडम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेमो, जिसका मतलब एक ऐसा नोट होता है जो लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं और इसको आगे जाकर स्टोर भी करते हैं. मतलब इट इज यूज एज एविडेंस फॉर फ्यूचर, है ना? इस मेमो का एक एविडेंस मेरे पास भी रहेगा और एक एविडेंस मेरे रिसीवर को भी रहेगा. इट इज अ मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक है? अच्छा, जब एक साथ बहुत सारे मेमोरेंडम होते हैं ना, तो उसको प्लूरल में हम बोलते हैं मेमोरेंडा. क्या बोलते हैं? प्लूरल में मेमोरेंडा. ठीक है? तो मेमोरेंडम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेमो और प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं मेमोरेंडा. ठीक है? जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हम ऐसे कम्युनिकेट करें आपस में कि ज्यादा फोन भी यूज ना हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी हो जाए और आगे जाकर उसका एविडेंस भी प्रिपेयर हो जाए. क्लियर है? बहुत अच्छे से. लेकिन इसकी तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो तीन बातें कौन सी है? सबसे पहले इसमें नाम, एड्रेस, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सब कुछ भी नहीं आता है. बस और बस डिपार्टमेंट का नाम आता है और कुछ भी नहीं. सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम आता है कि टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टू एचआर डिपार्टमेंट, टू लीगल डिपार्टमेंट, तो जिसको भेजो उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा. पूरा एड्रेस नहीं आता है कि भाई मैं किस भाई साहब से ही बातें कर रही हूँ, वो कुछ नहीं आएगा. ठीक है? पहली चीज. दूसरी चीज, एड्रेस नहीं आता है क्योंकि कंपनी के अंदर हो रहा है, तो एड्रेस कैसे आएगा? तीसरा, सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये भी कुछ नहीं आता है. चौथा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये आपका योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ये कुछ भी नहीं आता है. आप सिर्फ टू में नाम डालते हो रिसीवर का, फ्रॉम में नाम डालते हो सेंडर का. ठीक है? टू में डालते हो रिसीवर का, फ्रॉम में नाम डालते हो सेंडर का, और यहां पर नीचे बस मैटर लिख देते हो. मैटर में आप इनफॉर्मल टोन या फिर पर्सनल प्रोनाउन दोनों यूज कर सकते हो. पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, मी, यू, वी, दे. ठीक है? आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स. मैं आई, वी, यू, वी, दे, ये वाले वर्ड भी यूज कर सकती हूँ. साथ में मेरी टोन भी बहुत कैजुअल हो सकती है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है. नंबरिंग तब करूंगी जब बहुत सारे क्लॉजेस या बहुत सारी बातें अगर मुझे करनी है, तो फिर मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबरिंग करूंगी. वरना जनरली है किसमें आता है, पैराग्राफ फॉर्म में जाता है. और साथ में ऊपर ये तो टाइटल लिखा हो जाता है मेमो या इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन या इंटर ऑफिस मेमो, इस तरह की कोई भी तरह के छोटे से एक हेडलाइन, हेडिंग दिखती है, हेडिंग लिखी जाती है उस मेमो के ऊपर, और फिर ऊपर कंपनी का नाम आता है. सो दैट एवरीबडी नोज क्या है, इंटरनली ही सर्कुलेट किया जा रहा है. क्लियर है? तो तीन चीजें क्या है, तो इनसाइड नेम, एड्रेस, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सब कुछ भी नहीं आता है. दूसरा, टोन जो है वो थोड़ी सी कैजुअल, और साथ ही साथ प्रोनाउन भी पर्सनल यूज किया जाता है, ही, शी, आई,
आई विल प्रोवाइड यू दिस, यू शुड सेंड मी द डिटेल्स. तो ये यू आई ये वाले तो पर्सनल प्रोनाउन तो यूज कर सकते हैं, और ऊपर हेडिंग में हम मेमो, इंटर ऑफिस मेमो, कंपनी का नाम या हेडिंग में हम डालते हैं. क्लियर है सबको? अगर यही मेमो एक साथ बहुत सारे इंप्लॉयज को लेकर जाता है तो उसको हम ऑफिस सर्कुलर बोल देते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. ठीक है, चलो अब देखो ये एक मेमो है. तो मेमो में देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पर डेट आ गई, डेट लिखना जरूरी है. यहाँ पर मेमो का नंबर लिख दिया क्योंकि आगे जाकर एविडेंस की तरह यूज करना है ना उसे, इट इज यूज एज एविडेंस फॉर फ्यूचर, तो नंबर लिखना जरूरी है. उसके बाद यहाँ पर हेडिंग दे दी ऑफिस मेमोरांडम, मैंने आपको बताया हेडिंग देना जरूरी है ऑफिस मेमोरांडम. सीधे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सीधे मैंने यहाँ पर लिख दिया विथ रेफरेंस टू द रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पर सीधे मैंने मैटर लिख दिया और खत्म. क्लियर है सबको? और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम और पर्सन का नाम. अब देखो अलग अलग मेमो के स्पेसिमेन होते हैं. एक कैसा है कि यहाँ पर नाम मैंने अपना लिख दिया है कि मैं भेज रही हूँ, लेकिन मैंने एड्रेस नहीं लिखा कुछ भी क्योंकि कंपनी के अंदर ही हो रहा है, और मैंने किसको भेजा जा रहा है मैंने उसका भी नाम लिख दिया है. अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट लिखूंगी तो भी चलेगा कि भाई यहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लिखूंगी तो भी चलेगा, और अगर खुद का नाम लिखते हो रिसीवर का नाम लिखते हो तो भी चलेगा. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. तो मेमो के बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट होते हैं. नेक्स्ट इज ऑफिस सर्कुलर. ऑफिस सर्कुलर इज नथिंग बट मेमो, बट जब एक मेमो बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है तो वो ऑफिस सर्कुलर हो जाता है. ठीक है, इट इज जस्ट एड्रेस टू ऑल नंबर टू मोर नंबर ऑफ पीपल. मेमो एक ही बंदे को भेजा जाता है, ऑफिस सर्कुलर सब लोगों को एक साथ भेजा जाता है बस. बाकी सेम जो चार चीजें हमने ऊपर पढ़ी वही चार चीजें इसमें भी है. देखो कंपनी का नाम हो गया, सर्कुलर नंबर लिख दे, यहाँ पर हम मेमो नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सर्कुलर नंबर लिखेंगे. डेट लिख दी, ठीक है. अब देखो यहाँ पर रिसीवर का तो नाम आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे रिसीवर्स हैं. बस यहाँ पर सेंडर का नाम आ गया, मैनेजर ऑपरेशन मैनेजमेंट सेल. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वॉज लास्ट रिवाइज ऑन June 2017 इज प्रपोज टू बी अपडेटेड. कंस्ट्रक्टिव सजेशन आर वेलकम फ्रॉम एम्प्लॉय, सजेशन आर टू बी सेंट बाय 30th April. तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल करके एक डॉक्यूमेंट है उनकी कंपनी में, वो हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो लोगों से सजेशन जो है हम लेना चाहते हैं. तो आप लोग 30 अप्रैल तक अपने अपने सजेशन दे दो कि भाई मैनुअल में क्या क्या आना चाहिए. तो ये हमने सब लोगों को लिख दिया. अब रिसीवर इतने सारे कि रिसीवर का नाम तो नहीं आएगा, बस यहाँ पर सेंडर का नाम आ जाएगा. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस, रिसीवर इसमें मैं वही बोल रही हूँ कि रिसीवर जो है ना मेरी जान, वो कहीं ना कहीं रिसीवर का नाम और सेंडर का नाम आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो. ये बहुत ही ज्यादा इसमें एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको कैसे करना है. आ रही क्या मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस, मेमोरांडम ऑफिस नोट में डिफरेंस वो मैं बताऊंगी ना, अभी ऑफिस नोट नहीं पढ़ाया मैंने. ओके, आदित्य सर का चालू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बाकी का लेक्चर जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, टुमारो वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. ओके, ऑल राइट गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर.